जानते हो जो कपिल का जो कॉमेडी शो आता है, पहले कलर्स पे आता था और अब सोनी पे आने वाला है परसों से 23 तारीख शो। उसके लिए उन्होंने एक ऑडिशन लिया था और मैं पार्टिसिपेट लिया था उस ऑडिशन में, और फाइनली 4 राउंड मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑडिशन का, और लास्टली 1 राउंड बचा हुआ है। एक्चुअली उन्होंने एक बोला था, आप कोई भी फनी वीडियो, अपना कोई भी फनी वीडियो अपलोड करो और हम उसको चांस देंगे कपिल के साथ स्टेज शेयर करने का। और मैंने अपना जो वही जो प्रेशर में मैंने पार्टिसिपेट किया था, पर काफ़ी फनी वीडियो था वो, और मैंने उसको अपलोड किया और फाइनली कल लास्टली मैसेज आया कि 4 राउंड मतलब मोस्ट एंटरटेनर पार्ट में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। अब लास्टली है कि अगर फाइनली लकी रहा तो कपिल के साथ मुंबई में स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। और एक्चुअली यहाँ तो क्या टाइम काफी सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसलिए कुछ आदमी कर नहीं पाता। एक शायरी, बस लास्ट शायरी, बैठ लिया, बैठ जल्दी से। इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ एनिमल लाइफ, डजंट मैटर ही सी। और वो इंसान अगर आपसे ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं, मैं ये बोझ लेके नहीं चल सकती, तो आप उस इंसान को एक चीज डेडिकेट करो, बोलना क्या है, इश्क में कोई खोज नहीं होती, देयर इज नो एनी डिस्कवरी इन लव। इश्क में कोई खोज नहीं होती, ये हर किसी से रोज नहीं होती। अपनी जिंदगी में हमारी मौजूदगी को बेवजह मत समझना। इस लाइन को ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में हमारी मौजूदगी को बेवजह मत समझना, क्योंकि पलके कभी आंखों पे बोझ नहीं होती। यार मैं एक्चुअली काफी काला हूँ, काफी सांवला हूँ, मुझे कभी कोई नोटिस नहीं करता। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी शायरी हो, या तुम लिख सकते हो या कहीं से भी, तो तुम एक्चुअली स्टेज पे शेयर कर देना, ताकि मेरा कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो आप सबके लिए, जिसको भी लाइफ में कभी भी ऐसा फील होता हो या हुआ हो, स्पेशली मेरे उस फ्रेंड के लिए, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना गोरी राधा कभी सांवले कान्हा की दीवानी ना दीवानी। एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, बिल्कुल बियॉन्ड द बाउंड्री, कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है। और वो लड़की उसे हमेशा समझाती है, जैसे लड़कियां हमेशा समझाती रहती है कि पहले तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, दिस दैट, इतनी अकल तो है उस लड़के में, वो इतना समझ रहा है। बस उस लड़के ने एक शायरी याद कर रखी है, उसके दिलो दिमाग जहन में सिर्फ एक ही शायरी उस लड़की के लिए, इसके अलावा ना ही उसे कुछ सुनाई देता है और ना ही वो कुछ सुनना भी चाहता है। आखिर क्या है वो शायरी, मैं बताता हूँ वो शायरी क्या है जो वो उस लड़की के लिए बोलता है। इल्तजा है बस तुझे पाने की, इल्तजा मतलब चाहत, इल्तजा है बस तुझे पाने की, इसके सिवा कोई हसरत नहीं तेरे दीवाने की। मुझे शिकवा तुझसे नहीं खुदा से है, आखिर क्या जरूरत थी तुझे इतना खूबसूरत बनाने की।